तो गाइज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि तुम्हें पता पड़ जाए कि मेरा नया वीडियो कब अपलोड हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ मजेदार बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के पैर के साइज में काफी बदलाव आता है, उनके पैर का साइज काफी बढ़ जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ महिलाओं के पैर का साइज दोबारा उसी आकार में नहीं आता है। गर्भ के अंदर एक बच्चे के फिंगरप्रिंट्स तैयार होने में लगभग 9 से 12 हफ्ते का समय लगता है। कोई भी बच्चा गर्भ के अंदर शांत नहीं बैठता है, कई तरीके की चीजें करता है, जैसे अंगूठा चूसना, हाथ फैलाना, हाथ पकड़ना, हाथ हिलाना। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे के जन्म लेने में केवल 9 महीने का समय लगता हो। अगर सबसे लंबे समय की बात की जाए तो ये अब तक 375 दिन का रहा है। गर्भावस्था के दौरान 10 में से 9 महिलाओं की त्वचा का रंग बदल जाता है। बच्चे गर्भ के अंदर रोते हैं, लेकिन उनके रोने की आवाज इसलिए सुनाई नहीं देती है क्योंकि उनके आसपास तरल अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है। गर्भवती महिला की हड्डी दूसरी महिला की तुलना में अधिक नरम हो जाती है और यही कारण है कि उनकी हड्डी आसानी से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हड्डी का नरम होना कुछ हार्मोन्स के कारण होता है और ये हार्मोन्स इसलिए निकलते हैं ताकि हड्डी, विशेष रूप से कूल्हे के जोड़ों की हड्डी, मुलायम हो सके और जन्म देने में ज्यादा कठिनाई ना हो। जन्म लेने वाले 2000 बच्चों में से एक बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है। ये बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि 2000 बच्चों में से एक बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चेदानी का आकार एक लीची से बढ़कर के एक तरबूज के आकार के जितना हो जाता है और ये अपने असल आकार से 500 गुना बड़ा होता है। क्या आप यकीन मानेंगे कि गर्भ के अंदर बच्चे पेशाब करते हैं और उसे ही पीते भी हैं। प्लेसेंटा शरीर का वह भाग है जो एक महिला के अंदर सिर्फ गर्भावस्था में ही उत्पन्न होता है। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान हर्डबर्न से पीड़ित होती हैं, उनके होने वाले बच्चे के शरीर पर बाल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं के खून में ऑक्सीजन की कमी होती है और ये प्रेगनेंसी ब्रेन नाम की बीमारी का कारण होती है। गर्भावस्था के दौरान खून का दौरा इतना बढ़ जाता है कि मसूड़ों में खून आना या फिर नाक से खून आना एक आम बात हो जाती है। बच्चे गर्भ में इसलिए नहीं रोते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ है, बल्कि इसीलिए रोते हैं ताकि वो अपने जन्म के समय रो सकें। गर्भावस्था के समय महिलाओं के सूंघने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन्स के कारण महिलाओं के बाल और नाखूनों में काफी बदलाव आता है। सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ ज्यादातर एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान पैरों पर सूजन आना एक आम बात है। और अब सबसे अंतिम, सबसे मजेदार और आपके होश उड़ा देने वाला फैक्ट, वो है ओरल सेक्स से भी गर्भ धारण किया जा सकता है। ना भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये एक प्रेगनेंसी का, इस गर्भावस्था का फैक्ट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, शेयर ठोको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।